गाइज, मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ आज बताने वाला हूँ जो किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई रहेगी। जैसे कि आप लोग कुछ दिनों से अगर नोटिस किए रहेंगे, जब हम लोग को लेटेस्ट अपडेट जो आया फ्री फायर में, उसके बाद हम लोग को ज़्यादा परगेट्री मैप खेलने को नहीं मिल रहा है रैंक में। अगर हम क्लासिक में चूज़ कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है, वरना हमको रैंक में बहुत ही कम कह दिया है परगेट्री मैप खेलना। इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या परगेट्री मैप में कुछ ज़्यादा ग्लिचेस हो रही है, या तो फ्री फायर परगेट्री मैप में कुछ चेंजेस कर रहा है, ये सब सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेगा, ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे का सीक्रेट है क्या जो हमको परगेटी मैप खेलने को नहीं मिल रहा है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एंजॉय करिए एंड तक। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? गाइस आज का वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं परगेट्री मैप के ऊपर, जो इतने दिनों से मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे थे, मगर कोई वीडियो बना नहीं जाता। बट आज हम आप लोगों को एक सच्चाई बताने वाले, जो शायद से किसी को भी अब तक मालूम नहीं है, ये ऊपर के सोर्सेज से पता चला है। 50-50 चांसेस है, बट पूरा आप लोगों को मैं A to Z सब चीज़ समझाऊंगा। आई होप आप लोग उस चीज़ को समझ जाएंगे एंड वेट करेंगे कि वो चेंजेस कब होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग कहीं से भी नए आए हो या तो पुराने हो, और अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, ताकि आपको मेरे फ्री फायर के डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम, जैसे ही मैं उनको अपलोड करूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, गेम गॉड हमेशा आप लोग के लिए सोचता है, आप लोग को एंटरटेन करता है और हमेशा करता रहेगा। तो यार फ्री होता है, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना, जल्दी से जल्दी दबा दीजिए गाइस। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, परगेट्री मैप जो बहुत लोग को पहले पसंद ना मतलब पसंद नहीं होता था, अभी रिसेंटली अगर 6-7 महीनों की बात करें तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा परगेट्री मैप पसंद आ रहा है, क्योंकि उनको सर्वाइव करना पसंद है, उनको लॉन्ग रेंज शूट्स करना पसंद है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि रैंक में उनको परगेट्री मैप देखने को क्यों नहीं मिल रहा। जैसे कि जब से OB19 का अपडेट आया है, तब से मैंने बस परगेट्री मैप 2 बार खेला है रैंक में, उसके बाद मुझे चांसेस मिला ही नहीं है। कल बस 2 बार आया, उसके पहले शायद से मुझे 1 बार आया था बस, उसके बाद तो मुझे चांस मिला ही नहीं है परगेट्री खेलने का, ना तो परगेट्री मैप आ रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस, कि जो हम लोग का नया मैप आने वाला है, ठीक है, जो हम लोग का नया मैप कलहारी करके आने वाला है, सब लोग को लग रहा था कि शायद से वो एक अलग मैप रहेगा, वो हम अलग तरीके से खेल पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो बरमूडा के साथ कोलैब होने वाला है, मतलब जैसे कि परगेट्री और बरमूडा होता था, अभी वो ऐसा बन जाएगा बरमूडा और कलहारी मैप। क्योंकि यार दोनों बरमूडा और परगेट्री को तो दोनों ही सेम मैप है, कोई डेजर्ट मैप नहीं है, तो इसीलिए रैंक में अभी शायद से हमको ज़्यादा से ज़्यादा परगेट्री मैप देखने को नहीं मिलने वाला है। बेसिकली ये बहुत लोगों के लिए दुख की खबर रहेगी, जैसे कि मेरे लिए, बिकॉज मुझे भी परगेट्री पसंद है। बट एक तरीके से ये होगा कि फ्री फायर कुछ नए चेंजेस ला रहा है, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि परगेट्री का लास्ट डेट जनवरी 2020 में होगा, उसके बाद शायद से परगेट्री मैप ख़त्म हो जाएगा फ्री फायर से, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसे कुछ इंडोनेशिया के यूट्यूबर्स का भी कहना है, जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है, कि परगेट्री मैप फ्री फायर से जा रहा है बहुत जल्दी और कलहारी मैप आएगा। क्योंकि यार 3 बड़े बड़े मैप्स, ठीक है, 3 लंबे लंबे मैप्स को गेम में रखना, उसके बाद 2 GB वालों को भी खिलवाना इज़ वेरी टफ। तो मेरे ख्याल से उन लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूर पड़ेगा, जो शायद से करने वाले हैं फ्री फायर परगेट्री को हटाएंगे, या तो परगेट्री को एक इवेंट के तौर पे देने वाले हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि तीनों मैप रहे, उन लोग कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस ना करें। बट अगर परगेट्री चला जाएगा तो एक फ्री फायर का एक स्पार्क था गाइस, स्काई लॉज, ब्राजीला, ये सब एक स्पार्क था, और शायद से फिर हमको वो देखने को नहीं मिलेगा। जनरल सी बात है कि यार जब कलहारी मैप आएगा तो उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस रहेंगे जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्लेसेस रहेंगे, बट यार परगेट्री की बात ही अलग थी। हाँ पहले पसंद नहीं आया करता था, बट अभी धीरे धीरे सबको पसंद आता है ड्राइव करना, AWM परगेट्री में चलाना, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसी ऐसी जगह है जो माशाल्लाह जगह है उसमें, और देखते हैं गाइस क्या होता है। बस इसलिए आपको ये बताना चाहता था कि शायद से परगेट्री जा सकता है जैन या फेब में 2020 में, जब हम लोग का नया मैप, जब फ्री फायर में नया मैप आएगा, उसके बाद हम लोग को शायद से परगेट्री देखने को नहीं मिलेगा।
जी हाँ गाइस, उसके बाद हम लोग को पायरेटी देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कितना परसेंट श्योर है, क्योंकि फ्री फायर ने अब तक सामने से ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। मतलब फ्री फायर में हल्का सा हिंट दे दिया है जिस तरीके से उन लोग का गेम प्ले हो रहा है, जिस तरीके से इंडोनेशिया के यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं, तो उनको शायद से हिंट दे दिया है। अब देखते हैं कि फ्री फायर ऑफिशियली कब देगा ये चीज़ को, एंड लेट्स सी कि फ्री फायर जल्दी से जल्दी दे और हमको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिले कि हाँ फ्री फायर कुछ हमारे लिए अच्छा कर रहा है। जो हमेशा से फ्री फायर कहता आया है, जैसे कि अभी कलहारी मैप भी ला रहा है, वैसा पैगेटरी मैप को मेरे ख्याल से भेजना नहीं चाहिए, कमबैक के तौर पे उसको रखना